वेलकम टू माय चैनल आई एम सिमरन चाहानी आज आपको पढ़ाऊंगी क्लास ट्वेल्थ की इंग्लिश का चैप्टर डीप वाटर तो ये चैप्टर का मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी आज विद इन अ वीडियो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एनसीआर को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये पूरी वीडियो देख ली तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर इट इज रिटन बाय विलियम डगलस विलियम डगलस ने लिखा है ये और इसमें ये अपनी ही स्टोरी बता रहे हैं इनकी एक बुक है ऑफ मेन्स एंड माउंटेन्स उससे ये एक्सर्प्ट लिया गया एक्सर्प्ट मतलब क्या हो गया शॉर्ट पीस लिया गया एग्जाम में अगर आएगा कहाँ से लिया गया है ये तो यू हैव टू राइट ऑफ मेन्स एंड माउंटेन्स ही एक एक्सर्प्ट लिया गया है इन दिस ही इज टेलिंग अबाउट हिस् सिचुएशन जब एक बारी उनके साथ एक मिस uh, एडवेंचर होता है एक दुर्घटना होती है उन्हें पहले ही डर लगता है वाटर से एंड वो डूबते हैं स्विमिंग पूल के अंदर एंड देन हाउ ही ओवरकम दैट फियर इस सब के बारे में हमें इस... okay, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ मैंने सिनारी लिखे हैं जो आपकी बुक में जिस तरीके से स्टोरी चलेगी अ चाइल्ड हुड वेंचर सबसे पहले जो हमारा डगलस है वो बताते हैं कि मेरे साथ क्या होता है आई ट्राइड अ वेंचर क्या होता है कैसा प्लान जो तुम्हें करना है बट उसमें थोड़ा सा डेंजर है यानी कि तुम कुछ करना चाहते हो बट स्टिल तुम्हें पता है यार उसमें थोड़ा सा खतरा है इट इज़ नोन एज द वेंचर तो उनका चाइल्ड हुड वेंचर क्या था दैट उन्हें स्विमिंग सीखनी थी दैट वॉज इज़ चाइल्ड हुड वेंचर उनके एरिया में एक रिवर थी जिसका नाम था याकिमा रिवर और वो बहुत ही डेंजरस थी उसमें काफ़ी लोग डूब के मर चुके थे जैसे हमारे यहाँ रिवर होती है ना ब्रह्मपुत्र गंगा तो वहाँ पर रिवर थी याकिमा रिवर और उनकी जो मदर थी ना उनको बहुत ज्यादा डराती रहती थी बता बता की, कि उस दिन वो मर गया था डूब उस दिन वो मर गया था तो अगर वो भूलना भी चाहे ऑलरेडी उसको थोड़ा सा डर था डगलस को पानी से लगता था अभी हम पढ़ेंगे आगे क्यों लगता था चाइल्डहुड में भी एक इंसिडेंट हुआ था और ऊपर से उसकी मम्मी अगर वो कभी सोचता भी था कि मैं स्विमिंग करने चला जाऊंगा तो उसकी मम्मी उसे डराती रहती थी कि यह कि के पास नहीं जाना है वहां पर जाकर तुम डूब जाओगे मर जाओगे डराती रहती थी तो क्या होता है ही डिसाइडेड दैट वो वाई पूल जाएगा जैसे आप लोग स्विमिंग सीखने जाते हो बचपन में वैसे ही डिसाइडेड दैट मैं वाईएमसीए पुल पर जाके स्विमिंग सीखूंगा वो सेफ है या कि मैं रिवर जीता वो ट्रेचरस यानी कि खतरनाक नहीं था अब जो वाई एम सी ए पुल था उसकी हमें वो दे है कितना वो डीप था तो शैलो एंड्स पे वो टू टू थ्री फीट डीप था यानी कि ज़्यादा डीप नहीं था और अगर मिडिल पोर्शन में जाओ तो वो अगर बिल्कुल बीच में तो वो नाइन फीट डीप था दिस फिगर्स यू हैव टू रिमेंबर तो सही था उसको सेफ लग रहा था डगलस को एंड वो एडमिशन ले लेता है अपना चला जाता है मतलब आप तरीके से कह सकते हो वाई एम सी ए पुल पर अब अगर आप स्विमिंग करने जाओ तो सबसे पहले क्या जरूरत है आपको इक्विप होने की टू लर्न द स्पोर्ट्स तो ही टुक ऑल द गियर्स गियर्स लेता है जिससे वो स्विमिंग करेगा फर्स्ट डे ही वेंट टू द दूल जैसे वो पूल जाता है देर वॉज एवर्जन टू वाटर एवर्जन मतलब क्या होता है डर फियर को ही कहते हैं एवर्जन जैसे ही वो पूल को देखता है हिज एवर्जन टू वाटर कम इन टू हिज माइंड उसका डर उसके माइंड में आता है अब वो डर उसके माइंड में क्यों था देखो कि बचपन में उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था डगलेस के साथ वो छोटे होते हुए अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया की बीच पे सर्फिंग करने जाते है. वो देखा ना सर्फ बोर्ड पर वो घूम रहे होते हैं लहरों के ऊपर वैसी वाली सर्फिंग करने वो जाता है और लहर आती है और उसको एक कोने में ले जाके गिरा देती है उसने अपने पापा को पकड़ तो रखा

फॉर द वॉटर बट स्टिल वो कहता है कि नहीं यार मैं स्विमिंग सीख ही लूँगा तो वो क्या करता है ही बिगैन टू फील कम्फर्टेबल एट द पुल स्टार्टिंग से ही कम्फर्टेबल नहीं होता है थोड़े दिन वो अपने आस पास के बच्चों को देख के जो अपने गेयर्स वेयर्स पहन के फ्लोटर्स पहन के फिन पहन के ही स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग जो भी स्टार्टिंग की एक्सरसाइज होती है पैडल करना तो आस पास के बच्चे को ऐप करके एप लिखा आपकी बुक में वोट यानी कि चीट करके उनको अपनी वो स्टार्ट कर देता है एक्सरसाइज करना कि वो स्विमिंग सीख जाए ठीक है अब उसे सही लगने लगता है कहता है नहीं नहीं मैं सीख लूंगा मुझे अब ज़्यादा डर नहीं लग रहा है जिस दिन उसका थोड़ा सा कंफर्टेबल वो होता हैगा उसी दिन उसके साथ हो जाता है एक मिस एडवेंचर इन द स्विमिंग पूल यानी कि एक दुर्घटना होती है स्विमिंग पूल पे क्या होता है वो वाई पूल पर जाता है बट वो थोड़ा जल्दी चला जाता है और पूरा का पूरा पूल पूर साइड खाली होता है कोई भी नहीं होता एक जना भी नहीं होता कोई भी नहीं एंड उस समय पर पूल का वाटर बिल्कुल स्टिल लग रहा होता है कोई आस में है नहीं जो पूल का बिल्कुल नाइन फीट डीप नीचे तक का जो वाइट कलर की टाइल थी ना वो भी डगलस को दिख रही होती है तो उसे देख के डगलस जा जाता है नहीं पहले तीन चार लोगों को आने तो तब जाऊंगा अंदर अभी नहीं जा रहा है अंदर तो डगलस चुपचाप एक साइड में बैठ जाता है जो वो साइड में बैठा होता है तो देयर कम सब बुली एंड आई फो टू टेल यू जो डगलेस होता है ना स्टार्टिंग में उसे शर्म आती है पूल के अंदर घुसने में क्यों बिकॉज जो उसकी लेग्स थी ना वो बहुत स्किनी थी वो पतला सा था पदली पदली टांगी थी तो उसके साथ उसे पूल में जाने में शर्म आती थी अपनी शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहन के उसे शर्म आती थी अपने आसपास बच्चों के सामने बट ही सेट कोई नहीं अब टशन वसन नहीं मारनी चलो मुझे स्विमिंग सीखनी ही है तो ये पुराना इंसिडेंट है आई फो टू टेली क्या होता है जब वो साइड में बैठा होता है वाएमसी पुल पर वेट कर रहा था भैया तीन चार जने आ जाए तब मैं पानी के अंदर पहले नहीं जाऊंगा तो एक आता है बुली बुली कौन हो गया जियान जियान समझ लो तुम नोबिता को कितना तंग करता है वैसा एक बुली आता है एटीन ईयर ओल्ड का बिल्कुल ही मस्कुलर था बिल्कुल ही स्ट्रॉग सा एंड उसके चेस्ट पर काफी सारे हेयर्स होते हैं ये डिटेल्स दे रखी है तो आपको एग्जाम में ये मैंशन करनी पड़ेगी और वो उठा के डगलस को पूल के अंदर फेंक देता है अब ये बात पूछना क्यों फेंकता है बुली का काम क्या है अपने से कमजोर को तंग करने वाले लोगों को बुली कहते हैं तो वो उठा के डगलस को पूल के अंदर फेंक देता है डगलस सिटिंग पोजिशन में पूल के अंदर लैंड करता है ठीक है अब यही पूरा का पूरा चैप्टर का मेन पोर्शन है यही हमें पर दिखाएंगे ये लोग पूरा बताएंगे दैट कितना परेशान था उस समय पे डब्लस कितने अटेम्प्ट है वो पानी में से बाहर आने की एंड येट लास्ट में वो ओब्ल्यूवन स्टेज में यानी कि बेहोशी की, की हालत में पहुंच जाता है तो वो ये बिल्कुल मेन पोर्सन है स्टडी इट वेरी केफ्ट जैसे ही वो फेंकता है उसको वो सिटिंग पोजिशन में पानी के अंदर लैंड करता है अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं ठीक है उस समय पे जब वो पानी के अंदर लैंड करता है तो वो बहुत डरा हुआ होता है उसके सामने येलो पानी का शेड अब उसे ब्लू नहीं येलो येलो सा दिख रहा होता है एंड उसके लंग्स में थोड़ा थोड़ा पानी भरना स्टार्ट होता है उसको सफोकेट होना शुरू होता है पानी में गिरोगे क्या होगा सफोकेशन होगी स्विमिंग उसे आती नहीं थी तो वॉट ही वॉज वेरी फेयरफुल बहुत डर लगता है उसे बट उस समय पर ही डिजाइडेड टू मेक अप प्लान वो एक प्लान बनाता है डगलस एक प्लान बनाता है टू मैनेज क्या प्लान बनाता है वो कि जैसे ही मैं नीचे पहुंचूंगा ना अभी सिटिंग पोजिशन में नीचे पहुंचा जैसे ही मैं टाइल्स को टच करूंगा ना नीचे की तो अपने पैर से जोर लगा के ऊपर आने की कोशिश करूंगा जैसे कॉक होती है ना शैम्पेड की कार कैसे खुलती है वो पट करके ऊपर जाती है तो ही सेट दैट जैसे ही नीचे पहुँचूंगा जैसे ही स्विमिंग पूल की टाइल्स को टच करूंगा ग्राउंड को टच करूँगा ऊपर आऊँगा ऐसे फोर्स लगा के अपनी ही मेरा प्लान यानी कि अभी वो कॉन्शियस है उसने अपना प्लान बनाया अब वो नीचे जा रहा है सिटिंग पोजीशन में वो नाइन फीट का पूल उस समय पे उसे नाइन्टी फीट का लगता है और वो नीचे ही नहीं वो सोचता है अभी नीचे जाऊंगा और मैं नीचे जाके फोर्स लगा के ऊपर आऊंगा वो नाइनटी फीट लग रहे होते हैं उस समय वो नाइन फीट नहीं लगते हैंगे उसकी लंग्स बस्ट कर रही होती है इमेजिन कर लो सिचुएशन पानी में डूब रहे हो लंग्स बस्ट कर रही है सांस आ नहीं रही है पानी भर रहा है बॉडी के अंदर एंड बहुत फेयरफुल सिचुएशन थी वो बट स्टिल एट द बॉटम वो टच करता है नीचे पहुँचता है जैसे ही टाइल्स को नीचे टच करता है कि उसका प्लान क्या था वो स्प्रिंग अप करके स्प्रिंग होती है ना ऐसे उछल के ऊपर बट नहीं वो छलकर ऊपर नहीं आता है ठीक है अब जैसे ही वो ऊपर आता है तो वो अटैम्प्टवाइवल के वो कहता है आंखें तो पानी से बाहर आ जाती है, तो है और टांगे है वो अभी भी पानी के अंदर होती है वो ऐसे ऐसे अपने हाथ चलाता है कि कोई रोप मिल जाए जिसको पकड़ के वो बाहर आए बट उसके सारे अटेम्प्टो होते हैं वो बेकार हो जाते हैं जिसका मुंह होता है वह अभी भी पानी के अंदर होता है जिसके पैर है स्टिफ़ हो जाते हैं बिल्कुल लाइफलेस ऐसे लगते हैं उससे कोई वेट्स हो गए मेरे पैर ना हो पैरलाइज सिचुएशन उससे लगती है अपने पैरों की बिल्कुल ही बेजान हो जाते हैं उसके पैर और वो उसे नीचे की तरफ एक फ़ोर्स उसे खींचती है किसकी फोर्स खींच रही है उसे नीचे पानी की फोर्स उसको अपनी तरफ नीचे खींचती है दिस इज़ द सेकेंड टाइम जब हमारा डगलस पानी में डूब रहा है तीन बार पानी में डूबता है डगलस एक बार जब बुल उठा के फेंकता है दूसरी बार अभी हमने ये पढ़ लिया जब वो स्प्रिंग अप हो गए नहीं धीरे धीरे ऊपर आया फिर वो नीचे गया ओके okay, जब डगलेस के जो पैर थे उसे वेट्स की तरह महसूस हो रहे थे तो एक इरजेस्टिबल डाउनवर्ड पुल नीचे से पानी का फोर्स उसे अपनी तरफ खींचता हैगा वो स्टक महसूस करता है ख़ुद को वो चिल्लाने की कोशिश करता है ही ट्राई टू स्क्रीम बट कुछ नहीं होता है पानी होता है आसपास में एंड ही फेल्ट डिजी अब वो थोड़ा सा बेहोश होने लगता है उसकी पूरी बॉडी में पेन होता है और हेड भी बिल्कुल ही नम हो जाता हैगा उस समय पर भी डगलेस अभी तक कॉन्शियस है वो उसको अपना प्लान याद आता है कि नहीं मैं नीचे जाते ही एक और बार ट्राई मारूँगा कि पैर अपना नीचे डालू एंड ऊपर से उछल के ऊपर आऊं और कुछ ढूंढूं जिससे मैं बाहर आ पाऊं अभी भी डगलेस में इतनी शक्ति है कि वो सोच रहा है वो सब टेरिफाइड लॉट एट दिस टाइम बहुत डरा हुआ था जो उसकी हार्ट बीट थी ना खाली वॉइस उनके उसे लग रहा था वो ज़िंदा है वरना तो उसकी पूरी बॉडी ऐसी लग रही थी उसे कि वो मर चुकी है पूरी लंग्स में बस्ट होने को तैयार थी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था तो बहुत ही टेरिफाइंग सिचुएशन थी ये डगलस के लिए लास्ट फ्यूटाइल एफर्ट करता है वो अपनी तरफ से अभी भी वो बेचारा आखिरी टाइम तक अपना एक अफर्ट डालता है ही ट्राई टू टेक अ लीप ऊपर उठने की कोशिश करता है बट प्लान बिल्कुल फेल हो जाता है उसकी बॉडी में थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं थी ऊपर आने के बजाय वो तीसरी बारी दिस इज़ द थर्ड टाइम ही वेंट डाउन और जब वो थर्ड टाइम नीचे गिरता है ना तो उस समय पर डगलस का ये जो फियर है एन्जाइटी है वो सब खत्म हो जाती है ही वेंट टू द स्टेट ऑफ ओबली प्योन अब उसे पीसफुल लगना होता है अब ये सिचुएशन वो आ गई है जो डगलस है वो अपनी कॉन्शियसनेस खो रहा है डगलस बेहोश हो रहा था अब उसको ब्लैक सा ब्लैक ब्लैक दिख रहा था सब अपनी आँखों के आगे और अब इसे डर नहीं लग रहा था फियर एन्जाइटी शब्द निकल गई थी उसके दिमाग में से अब उसको ये नहीं लग रहा था कि मुझे पानी में से बाहर आ रहा है नहीं वो बस डीप वाटर्स में जा रहा था तभी चैप्टर का नाम है डीप वाटर उसको लग रहा था टोटल रिलैक्सिंग सिचुएशन अब ये नहीं था कि कॉर्क की तरह ऊपर आ नहीं ही वॉज पासिंग टू ओब्लीवियोन ओब्लीवियन क्या होता है बेहोशी की हालत में वो जा रहा था उसे लग रहा था कि उसकी मदर्स की आर्म्स में वो जा रहा है मम्मी के आर्म्स कैसी होती है मम्मी के पास लेट जाओ हक करके मम्मी को एवरीथिंग फ्लू अवे ना तो उसको आर्म्स लग रही थी रिलैक्सेशन की रिलैक्स हो गया था वो टेक्निकली अगर आप बोलो तो ही वाज गेटिंग ही वाज गेटिंग अनकॉन्शियस तो वो हमारा डगलस जो है वो पानी में डूब जाता है नाउ उसे कौन बचाता है दैट इज़ नॉट टोल्ड इन अ चैप्टर अब वो कॉन्शियसनेस रिगेन करता है जैसे ही वो होश में आता है तो वो उस पुल के साइड में पड़ा हुआ होता है उल्टा लेटा हुआ होता है और वॉमिटिंग कर रहा होता है और उसे आसपास में बस लोगों की बातें सुनाई देती है कोई एक इंसान होता है वो बुली को जो बुली था उसको डांट रहा होता है वॉट कि तो उसने क्या करा बुली कहता है कि मैं तो बस मजाक होता है आई वॉज ओनली किडिंग तो उस समय पर एक जना कहता है द बॉय वॉज़ अबाउट टू डाई वो बच्चा मरने वाला था वॉट यू डिड तो बस उसे ये बातें सुनाई देती है एंड ही हर्ट दैट उसको लॉकर रूम में ले जाने की बात होती है उसके बाद डगलिस जो है कुछ देर लॉकर रूम में रुकता है फिर अपने घर आ जाता है घर जब वो आता है तो वो रात को कुछ नहीं था और ये जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ उसके सिम्टम्स काफी समय तक उसके ऊपर दिखे कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो थोड़ा सा भी अगर उसके ऊपर प्रेशर आता था तो वो बहुत डर महसूस करता था उसकी जो नीज थी वो वुबली वुबली क्या होती है नीज में अजीब सा दर्द होता है घुटनों के अंदर अजीब सा नम सी सिचुएशन होती है तो उसे बहुत बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता था ये स्ट्रेस और जो होते हैं सिम्टम्स बाद में दिखते हैं अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो और डगलस उसके बाद कभी पूल तो दूर की बात है किसी वाटर बॉडी को उसने देखा भी नहीं मुड़के और रोज डगलस को नाइट आते थे तो अगर एग्जाम में आए फैक्टर

अब जब हम बड़े हो जाते हैं ना वी वॉन्ट टू ट्राई ऑल द एक्टिविटीज़ ठीक है तो अब डगलस परेशान था कि क्यों वो चाइल्डहुड का फियर ओवरकम नहीं कर पा रहा है उसकी वजह से ना तो वो फिशिंग करने जा पाता था ना ही कैनोइंग करने बोटिंग करने स्विमिंग करने तो डगलस अपनी लाइफ को फुल अच्छे तरीके से नहीं जी पा रहा था क्योंकि वो चाइल्डहुड का डर जो बुली ने उसके साथ करा था उसके बाद से वो उसके मन में बहुत बड़ा डर बैठा हुआ था तो ही थॉट देट नहीं अब मैं क्या करूँगा आई विल ओवरकम माई फियर डर के आगे जीत माउंटेन ड्यू नहीं पिएगा डर के आगे जीत करेगा कैसे वो सोचता है कि मैं अपने लिए एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर रख लूँगा एक स्विमिंग टीचर वो अपने लिए अपॉइंट करता है क्या कहता है वो अक्टूबर में, तो में, में, तो में, में, में स्विमिंग इंस्ट्रक्टर आता है। स्विमिंग इंस्ट्रक्टर कैसे सिखाता है रोप बांध देता है खुद डगलस को रोप बांध देता है और अपने ऊपर बेल्ट लगा रखी होती है इंस्ट्रक्टर ने बिल्कुल अच्छे से बंधा होता है हमारा डगलस अपने इंस्ट्रक्टर से बिकॉज डगलस को बहुत ज्यादा डर लगता होता है तो जो इंस्ट्रक्टर था वो भी सारे प्रिकॉशंस लेता था और जैसे ही बुक में बताया गया थोड़ी सी दूर जाता था ना डगलस तो अपने इंस्ट्रक्टर से तो उसकी दिल की धड़कने बढ़ जाती थी कि वो बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा फियर था उसके माइंड में काफ़ी हफ्तों तक जो उसका इंस्ट्रक्टर है वो उसे प्रैक्टिस कराता है नेक्स्ट प्रैक्टिस वो उसे कराता है एक्सेल और इन्हेल की पानी के अंदर सांस रोकने वाली प्रैक्टिस और फिर बाहर आके इनहेल करने की वो थ्री मंथ्स तक वो उसे ये प्रैक्टिस कराता है अब आप देखो ऐसे ही नहीं आ गई उसे कुछ समय के अंदर आप कह सकते हो स्विमिंग नहीं ही मेड ऑल हिज एफर्ट्स थ्री मंथ्स तक उसकी एक्ल इनहेल प्रैक्टिस चली उसके बाद उसकी किकिंग प्रैक्टिस चली पानी के अंदर पैर को ऐसे ऐसे किक करना स्टार्टिंग में उसको वो मुश्किल लगता था उसको बोरिंग भी लगता था वो बट धीरे धीरे ही गेट यूज टू इट और अपने आप ही उसके जो पैर थे वो किक और पैडल कर लेते थे आराम से तो अप्रैल तक अक्टूबर में टीचर आया और अप्रैल में उसको क्लीन चिट दे देता है कि भाई अब आ गई है तुम्हें स्विमिंग तुम क्रॉल भी कर सकते हो बैक स्ट्रोक ये वाली स्ट्रोक वो वाली स्ट्रोक सब कुछ तुम स्विमिंग कर सकते हो अप्रैल में जो हमारा इंस्ट्रक्टर है स्विमिंग टीचर है वो चला जाता है बाय बाय और वो उसको क्लीन चिट दे देता है तो अक्टूबर में आया था अप्रैल में उसको क्लीन चिट मिल जाती है अब अभी भी उसको थोड़ा सा डर लगता है डगलेस को ही थॉट दैट मैं टेस्ट करूंगा अपने आप को वो एफर्ट्स कंटिन्यू रखता है खुद को टेस्ट करने के तो बुक में बहुत सारी बातें लिखी हैं सबको आपको ध्यान नहीं रखना है जो ध्यान रखना है आप टोल यू लेक वेंटवर्थ जाता है वो कौन सी लेक पे लेक वेंटवर्थ जाता है वेंट वर्थ लेक पे जाके वो ब्रेस्ट स्ट्रोक भी ट्राई करता है साइड स्ट्रोक भी ट्राई करता है बैक स्ट्रोक सारे स्ट्रोक वो ट्राई करता है लेक वेंटवोर्थ पर वो कब जाता है जुलाई में जाता है अप्रैल में क्लीन चिट मिली जुलाई में गया लेक

अभी भी डगलस के अंदर थोड़ी सी जो डर होता है या फिर थोड़ा सा वहम होता है कि बिल्कुल पक्का हो गया मैं कर लूँगा ना स्विमिंग तो अपना लास्ट टेस्ट करता है वॉम लेक के अंदर क्या करता है वो वॉम लेक में जाकर डाइव मार देता है एंड ही स्वैम टू द शोर यानी कि एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाके निकल आ जाता है वो बाहर और बाहर आके वो चिल्लाता है आई हैव कॉन्कर्ड माई फियर और जो गिलबर्ड हिल होती है एको करके उसकी आवाज़ वापस भेजती है कि वो बहुत जोर के चलाता है जैसे हमने वो एडमिन देखा माउंट एवरेस्ट वाले वो चिल्लाते हैं और एक ओ की आवाज़ वापस आती है वैसे ही हमारा डगलस करता है जब वो हमारी कौन सी वाली लेक थी वॉम लेक पे डाइव एंड स्विम करके पहुंच जाते हैं एक किनारे से दूसरे किनारे और वो चिल्लाता है कि मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है एंड आई हैव कॉनकर्ड माई फियर ऑफ वाटर एंड यहाँ पर आपका जो ये डगलस है ये फुल स्विमर आप कह सकते हो बन गया है नाउ डगलस टोल्ड अस द डीप मीनिंग ऑफ लाइफ जो कुछ भी अपनी लाइफ ने इस वाटर वाले इंसिडेंट से सीखा उसने ये सीखा कि देखो मरने से डर नहीं लगता है डेट इज नॉट फियरफुल बट जो हमारे को डर लगता है ना वो सबसे बड़ा हमारी जड़ है प्रॉब्लम्स का लाइफ की क्या है जैसे रूज ने भी क्या है रूज ने एक अपना कमेंट दिया है ऑल वी हैव टू फियर इज द फियर इट सेल्फ ये आपको एग्जाम में आ सकता है किसने कही थी ऑल वी हैव टू फियर फियर इट सेल्फ रूज ने कही थी ये डेथ इज़ फुल ऑफ पीस बस फियर ऑफ डेथ से टेरर लगता हैगा वो डीप मीनिंग बताता है कि जब देखो जब वो मनने भी वाला होता है तो डेथ में पीस मिलती है उसको भी जब वो बेहोशी की हालत में जाता है नहीं इट इज द फियर ऑफ डेथ जिससे हम डरते हैं तो वही है डर के आगे जीत अगर आप अपने फियर को ओवरकम कर लोगे सो यर लाइफ विल बी पीसफुल और इसमें हमें एक और मैसेज दिया गया स्टोरी के अंदर कि अगर बचपन में हमारे साथ कुछ गलत हो तो इसका इफेक्ट हमारी पूरी लाइफ पर पड़ताएगा एक सिचुएशन उसके साथ बचपन में हुई वो सर्फिंग वाली सेकेंड हुई है मिस एडवेंचर एट द पूल तो इसका जो इफेक्ट था डगलस की पूरी लाइफ पे पड़ा और अगर वो टीचर रख के स्विमिंग वगैरह ना सीखता तो आगे तक उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती वो अपनी लाइफ को फुली एंजॉय नहीं कर पाता सो so मैसेज हमें मिला है दैट वी शुड ओवरकम आर फियर्स डेथ इज़ पीसफुल द टेरर ऑफ डेथ इज़ फियरफुल तो विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है इस चैप्टर के नोज आईव टोल्ड यू आपको इंस्टाग्राम आई डी मेरे मिल जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे एंड uh, जो इंपॉर्टेंटें नोट्स हैं वो भी मिलेंगे सो so, बाकी चैप्टर्स अगर आपको इंग्लिश के पढ़ने हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई हैव गिवन द प्लेलिस्ट आप जाके पढ़ सकते हो और अगर तुम्हें कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है हिस्ट्री पॉलिटिकल इको, जोग्राफ्रफी साइकोलॉजी सोशियलॉजी एनी सब्जेक्ट यू वॉन्ट टू स्टडी टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट गिवन है यू कैन स्टडी इट फ्राम देर आई एम सिमरन जहानी एंड अगर अभी तक तुमने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी सब्सक्राइब करो एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑलियो क्लास में चो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो बाय